शुरू करेगी तो जल्दी से हम लोग मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं आई होप मेरी आवाज आप लोगों तक तो पहुंच रही होगी पहुंच रही है चलो सीधा हम लोग जीके को ले लेते हैं ना ओके okay. ओके okay, बच्चा तो जूम दिख रहा होगा बच्चा अब देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना उसमें एक डिस्कवरी है और वो डिस्कवरी ना आपके जैसे एक बहुत प्यारे से बच्चे ने की है अब डिस्कवरी में यहाँ पे क्या हुआ है वो देखते हैं पहले now ravi in his dream oh my god saw a strange animal which had six legs orange hairs on skin and one eye on the forehead it was feeding its young one milk if really if really existed it would have belonged to the same group as gummy fish butterfly crocodile or cow but तो भैया हमारा एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है रवि उसने सपने में देखा कि उसे छह पैरों वाला पूरा ऑरेंज कलर के बालों वाला और एक आंख वाला एक एनिमल कुछ नजर आया ठीक है तो आपके हिसाब से वो एनिमल बेटा किस ग्रुप को बिलोंग करेगा डम्पी फिश बटरफ्लाई क्रोकोडाइल और काउ जल्दी जल्दी बताओ अरे ईशान वो तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं लेट हो गई हूं क्लास के अंदर जल्दी से बताओ चलो बटरफ्लाई नहीं रवि ने तो सपने में देखा बट अगर हमारे सामने वो एनिमल आ जाए बच्चा तो हम लोग उसे कौन सी आ, जो स्पीशीज है उसके साथ में पेयर करेंगे बेटा हम उसको पेयर करेंगे बटरफ्लाई इंसेक्ट क्योंकि ये क्वेश्चन आया बेटा छ हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चा कि थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा वो होता है इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर अब यहां पर देखो बेटा इसमें एक चीज और भी बोली है कि भाई उसकी तो सिर्फ एक आंख है ऐसा हो सकता है बेटा ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब ये हम लोगों ने क्या किया बेटा पूरा डायग्राम बनाया है तो सिंबल हमारे पास में देखो यहां पर हमारे पास में y है यहां पर हमारे पास में z है बीच में मैंने ले लिया है x फाइन बच्चा अब देखो z जो है उसके अंदर वो आएंगे जिनके फेदर्स होते हैं है ना पर होते हैं जिनके और x के अंदर वो आएंगे बेटा जिनके पंख होते हैं विंग्स नाउ इज़ डिफरेंस बिटवीन विंग्स एंड फेदर्स तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑर्गेनिज्म एक्स कैन कैन बी बी बैट एंड जेड ऑस्ट्रिच। सो बेटा ऑर्गेनिज्म एक्स यहां पर एक्स का मतलब हुआ जिसके पास में बेटा विंग्स भी होंगे और उसके ऊपर फेदर्स भी होंगे ठीक है गुड तो बेटा जब हम आ, बैट की बात करते हैं बेटा तो बैट के पास में फेदर्स नहीं होते हैं दे डू हैव विंग्स बट उसके ऊपर फेदर नहीं लगे हुए होते हैं ठीक है प्रथमेश ओके बच्चा नाउ ऑर्गेनिज्म वाई कैन बी पैंगुइन एंड जेड कैन बी एमू तो जेड तो ठीक है क्योंकि जेड इमू के पास में बेटा फेदर होते हैं लेकिन हमारा जो पैंगुइन है बेटा उसके पास में विंग्स नहीं होते उसके पास में फ्लिपर्स होते हैं नर इज नो सच ऑर्गेनिज्म एज एक्स नहीं क्यों नहीं सारे बर्ड्स बेटा सारे बर्ड के पास में क्या होते हैं हमारे विंग्स भी होते हैं और फेदर भी होते हैं तो ये भी गलत हो गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीस ओके सेकेंड का बी नहीं होगा क्योंकि पैंगविन के पास में बेटा विंग्स नहीं फेदर्स आ, फ्लिपर्स होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी चलो ओके नाउ इन आर डाइट वी शुड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट इन सफिशिएंट अमाउंट सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी फाइन तो हमको क्या चाहिए बेटा हमको सबसे ज्यादा चाहिए होता है क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और मिनरल तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ए क्लियर है बहुत इजी है ये तो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए फिर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी बॉडी का मसल मास बनाए दैट इज प्रोटीन फिर उसके बाद में कंजर्वी एनर्जी के लिए हमें फैट चाहिए और मिनरल हमेशा हमें बहुत छोटी सी क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं गुड सो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा मिनरल नो no, बेटा नो दे डू नीदर हैव विंग्स नॉर फेदर पैंगविन के पास में फ्लिपर्स होते हैं ठीक है पैंगविन दे कैन नॉट फ्लाई दे के इसीलिए उनके पास में फ्लिपर्स होते हैं ओके चलो बच्चा नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब ये हमारी हार्ट बीट से लिया हुआ है तो बेटा यूजुअली हमारी जो हार्ट बीट होती है वो कुछ ऐसे होती है मैं एक यूजुअल हार्ट बीट आपको बना के दिखाती हूं ऐसे गुड इसमें बेटा ये पी होता है ओके okay. फिर उसके बाद में हमारा क्यू आर एस ये सब चलता है उसके बाद में ये टी आएगा तो अब हम लोगों ने एक्सरसाइज करी है शिवा है बेटा उसने एक बहुत विगरस एक्सरसाइज करी है ठीक है तो विगरस एक्सरसाइज करी है बेटा तो इसमें से कौन सा ग्राफ है जो तब शो होगा जब वो एक्सरसाइज को रोक देता है हम्म hmm. बिल्कुल नहीं भूलूंगी हाँ बेटा सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है साउंड सॉलिड के अंदर स्टील मत लगाओ प्रथमेश ऐसे लगाओ सॉलिड के अंदर बेटा सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है और जो गैसेस होती है उसमें सबसे कम ट्रेवल करता है फाइन तो अब मुझे बताओ कि आपके हिसाब से जब उसने एक्सरसाइज रोक दी तो यहां पर कौन सा ग्राफ जो होगा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा जल्दी जल्दी बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्योंकि अभी उसने एक्सरसाइज रोकी है बेटा गुड तो जो भी रिटर्न पीरियड होगा हमेशा वो फ्लैट हो जाएगा और वो होगा एस और टी डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा इसको याद रखना बच्चों ये जो मैम ने बनाया है यहां पर ये यह आपकी नॉर्मल हार्ट वेव है ओके ओके okay. अब देखो हमारा रवि जो है ना आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट करने लगा है तो रवि ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है बेटा उसने क्या लिया एक प्लांट लिया है और उसने कुछ लीव्स के ऊपर दोनों साइड में हमारी क्या लगा दी वेस्लिन और उसके बाद में रैप कर दिया लीव्स को और उसके बाद में सनलाइट के अंदर रख दिया तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है वो देखते हैं ही डिड नॉट अप्लाई वैसलीन और ऑल दी क्ट है बेटा बिल्कुल सब पत्तियों पे नहीं लगाई है उसने वैसलीन ओके नाउ ही अप्लाइड वैसलीन एज ही वॉन्टेड टू स्टडी ट्रांसपीरेशन अफकोर्स ही प्लांट इन सनलाइट बिकॉज हायर टेम्परेचर फेवर ट्रांसपीरेशन अफकोर्स तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा हमारा डी ऑल ऑफ दी अब गुड ओके कौन है यहां पे भी हमारे पास में एक रवि चलो भाई अब हमारे पास में सीड से एक क्वेश्चन आ गया बच्चों नाउ सीड वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है रेफर टू द गिवन गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द प्लांट एक्स एंड वाई तो एक्स क्या है बेटा हमारा एम्ब्रियो ये हम लोगों ने पढ़ा है और ये है हमारा फूड कोटाइलिडन जिसे हम लोग बोलते हैं ओके बच्चा सो पार्ट एक्स गिव राइज टू अ न्यू अ न्यू प्लांट पार्ट वाई गिव न्यूट्रिशन टू द यंग पार्ट दोनों के दोनों हमारे सही हो गए ठीक है हाँ सर्दियां तो वैसलिन प्लांट पर भी लगानी पड़ती है हम लोगों को ओके फ्रॉम ऑफ द द कंट्री डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन टेकन इट इट फ्रॉम आयरलैंड जिनकी वजह से बेटा कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी है जिससे जो इंडियन सिटीजन है वो बहुत आराम से रह सकते हैं तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आ, है स्टेट पॉलिसी वो ली गई है आयरलैंड से ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है तो इसको बहुत ध्यान से करना आयरलैंड याद रखना डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं जब भी चलो ओके okay. नेक्स्ट हमारे साइंस वाले क्वेश्चन ही थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं बेटा ओके नाउ विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव बहुत बार मैंने आपको करवाया है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं बेटा हमारे राज्यसभा uh, के हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द पायनियर ऑफ इंडियन रेनिसेंस वॉज राजा राम मोहन रॉय बिकॉज उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत कुप्रथाएं थी उनको अबॉलिश कर दिया था हम्म यस कुछ क्वेश्चन ऐसे बेटा इसमें से ओके ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पी वाई क्यू है बेटा आपके प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है दी हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग ये लास्ट मतलब सैटरडे को भी मैंने करवाया था आप लोगों को ओके okay? चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रुप इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडियन ओ इन इंडिया ओडिशा छत्तीसगढ़ एंड झारखंड सबसे ज्यादा आयन जो निकलता है बेटा है ना उसकी मिनरल फॉर्म के अंदर जिसे हम लोग और हिंदी में अयस्क कहते हैं वो निकलता है ओडिशा फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड नाउ विच ऑफ दैंड फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑफ द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली तब बनती है बेटा जब सेस्मिक फोर्सेस की वजह से कोई भी एक लैंडफॉर्म जो होता है वो अलग हो जाता है ठीक है बाकी जितने भी आप यहां पर देख रहे हो फोल्ड एंटीक्लाइन और नेप्स, ये सब तब बनते हैं जब फोल्डिंग होती है सो बेसिकली ये सब इस तरह के स्ट्रक्चर है तो so, दूस यहां पर अलग क्या है रिफ्ट वैली ओके हा विकास मैंने बोला तो सही बोला है मैंने ये वाली चीज इसमें कुछ क्वेश्चन बेटा प्रीवाइव क्यू है और कुछ क्वेश्चन जो है वो नए ऐड किए नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग विच क्वेश्चन इज द ऐपरेटर्स मोस्ट लाइकली डिजाइन टू आंसर कुछ भी नहीं किया बेटा हम लोगों ने इसमें uh, दो टेस्ट ट्यूब ली है प्लांट लगाया है पानी भरा है एक को बिल्कुल सीधा इरेक्ट रखा है दूसरे को इन्वर्ट कर दिया है ठीक है अरे ऐसे कैसे हो सकता है मैं तो रोज प्यारे बच्चों बिना तो मेरी क्लास ही नहीं होती है भाई ऐसे कैसे हो सकता है चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो बेटा डस एटमोस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट ट्रांसपीरेशन डिटी अफेक्ट दी ट्रांसपीर डायरेक्शन ऑफ दी प्लांट ग्रोथर अफेक्ट दॉर लाइट इंक्रीज देशर तो नेचुरल सी बात है बेटा की हम लोगों ने क्या किया है इसमें क्योंकि हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब बिल्कुल इरेक्ट रखी है सीधी अपराइट रखी है और दूसरी को बिल्कुल इन्वर्टेड कर दिया है तो so, इनवर्टेड होने की वजह से वो ये बता रहा है कि जो ग्रेविटी है क्या वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी सिंपल सी बात है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैं तो बोलती रहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आओ के बच्चा सर सिंपल देखो हम लोगों ने क्या किया रेड कलर का पानी ले लिया बेटा और उसके अंदर क्या किया है प्लांट को डाल दिया है स्टेम है उसको बीकर के अंदर डाला है और उस बीकर के पानी को लाल कलर का कर दिया है गुड नाउ कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही सही बता रहा है ग्रीन ग्रीन रेड हो ही नहीं सकता बेटा टिप पे तो पानी सबसे बाद में पहुंचेगा ग्रीन रेड ग्रीन हो ही नहीं सकता रेड ग्रीन ग्रीन नहीं यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे नीचे वाला पहले रेड होगा फिर उससे ऊपर वाला रेड होगा और फिर सबसे ऊपर वाला रेड हो जाएगा क्लियर है अरे कौन है उस दिन फोन क्यों नहीं करवाया था किसको करवाना है भैया फोन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा ओके सॉरी चलो नाउ एसर्शन इज मैन एंड डियर आर ओमनिवरस एनिमल दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट रीजन अब आपको बताना है क्या ट्रू है क्या गलत है प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो जब भी इस तरह के ऑप्शन आते हैं ना या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले आप ऑप्शन की तरफ मत जाओ पहले ऑप्शन देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे पहले आप अपना स्टेटमेंट खुद मार्क करो और फिर देखो कि वो नीचे दिए हुए ऑप्शन से मैच करता भी है या नहीं करता है गुड तो मैन एंड डियर आर ऑमनी एनिमल तो क्या ये सही है नहीं ये तो फॉल्स है बेटा क्योंकि हम ऑमनिवरस है डियर जो होता है वो तो हरबीवरस है नाउ दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट ये चीज हम लोगों ने किसके लिए बोली है जो कि हरबी वोर्स है नौ बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ओके ए इज ट्रू एंड बोथ ए एंड आर नहीं इसको जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था बेटा वो ये है कि जो ओमनी होते हैं वो दोनों खाते हैं सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे नहीं जाते हैं तो जो ओमनी है वो क्या करेगा बेटा प्लांट भी खाएगा और उसके साथ में एनिमल भी खाएगा तो ये तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ ही नहीं है तो दोनों क्या हो गए गलत हो गए गुड चलो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा सर्किट वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा बहुत इजी है इसको समझना देखो क्या कर रहा है आपके पास में यहाँ पर तीन अलग अलग आपको यहाँ पर बल्ब वगैरह दे दिए ए है हमारे पास में बी है सी है डी है ई e है फाइन अब जब भी हम ये बोलते हैं बच्चों की स्विच ओपन है समझो इसको है ना ओके स्विच को ओपन रख देते बेटा अगर स्विच ओपन है इसका मतलब है कि सर्किट जो है वो कैसा है इनकम्प्लीट है सर्किट इनकम्प्लीट है गुड तो इसका मतलब वहां पर बिजली नहीं रन करेगी या इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करेगी जब भी हम बोलते हैं फ्यूज बल्ब है इसका मतलब भी यही हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी ठीक है अब आप इसको यहां पर दे रो

गुड अब जो आपका पूरा का पूरा सर्किट चलेगा वो ये वाला तो चलेगा नहीं वो चलेगा बी डी और ई e वाला ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा सो बल्ब डेट रिमेन लिड इज डी और ई e, करेक्ट है बेटा बिल्कुल तो so, यहां पर ये करेक्ट रिजल्ट हो गया इसका नाउ दूसरा देखते हैं अब मैं आपको ब्लू कलर से करके दिखाती हूं वाई स्विच ओपन है वाई स्विच कहां है बेटा हमारे पास में इसका मतलब ये नहीं वर्क कर रहा है फ्यूज बल्ब कौन सा है हमारे पास में डी तो ये नहीं चल रहा है गुड तो ये वाला सर्किट नहीं चलेगा सो so, बल्ब कौन से चलेंगे ए। ओके। नाउ ए ये वाला पूरा चलेगा नहीं तो ए बी और सी नहीं चलेगा तो ये गलत हो गया नाउ जेड वाला अब यहां पर हमारा बच्चों ये वाला सर्किट नहीं चल रहा है ओके, okay. जेड नहीं चल रहा है और फ्यूज बल्ब कौन सा है बी नहीं चल रहा तो ये सर्किट भी नहीं चलेगा ये सर्किट भी नहीं चलेगा तो बल्ब कौन से चलेंगे सी और ई e. नहीं सी और ई e तो चल ही नहीं सकता क्योंकि ये और दोनों सर्किट बंद है तो ये भी गलत हो गया नेक्स्ट बल्ब हमारा सॉरी हमारा एक्स जो है बेटा वो नहीं चल रहा है गुड एक्स नहीं चल रहा है और बल्ब ई e भी फ्यूज है ये भी नहीं चल रहा है तो अब बल्ब कौन से वाले जलेंगे हमारे बल्ब हमारा जलेगा ए नहीं चलेगा बेटा बी और सी चलेगा तो ये वाला भी करेक्ट है तो इसमें एक्चुअली दो आंसर करेक्ट है ए और डी दोनों के दोनों करेक्ट है ठीक है ए करेक्ट है ए ज्यादा अप्रोप्रिएटली करेक्ट है बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सिटिंग ऑन रॉकिंग चेयर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म नहीं एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिकेक्ट है हम कैसे आएंगे ऐसे चलेंगे और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा जब आपका ऑब्जेक्ट है ये यहां तक जाएगा ऐसे गया वापस यहां पर आएगा फिर यहां पर जाएगा और फिर यहां पर आएगा यही रॉकिंग चेयर का मूवमेंट होता है ब्लर नहीं है मुझे तो अभी बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है हाँ काशी हमारी जो क्लासेस शुरू होती है बेटा जो अभी मॉक टेस्ट चल रहा है वो साढ़े तीन बजे से शुरू हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिंपल एयर का कॉम्पोजिशन हमको दिया हुआ है बच्चों नाउ which वन ऑफ दी मोस्ट accurate डिस्क्रिप्शन ऑफ एयर बेस्ड ऑन दिस pie चार्ट तो so, हम लोग ऐसे लगाते हैं बेटा मैक्सिमम ये है फिर उसके बाद में second नंबर पे यह आता है और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर है देख लो ऑप्शन कितना है नाउ क्या हो गया टू थर्ड टू थर्ड नो टू थर्ड टू थर्ड नहीं होगा थ्री क्वार्टर वन थर्ड नहीं वन हाफ वन फिफ्थ ऑक्सीजन एंड फोर्थ फिफ्थ ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा डी चलो नेक्स्ट सिंपल हम लोगों को पेयर लगाना है यहां पर सेलेक्ट ऑप्शन दैट ग्रुप रॉक्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफ काइंड एज शोअन इन दी बॉक्स सैंडस्टोन एंड प्यूमिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हम लोगों का कॉन्ग्लोमरेट और ऑप्सीडियन मैं काम करूंगी बच्चा क्योंकि हम लोगों ने कई बार ये देखा है कि हमारे जो भी रॉक्स होती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं तो मैं कल की क्लास के अंदर आपको एक बार सारी की सारी जो हमारी रॉक्स है वो पढ़ा दूंगी विद देयर एग्जाम्पल या मैं हमारा मॉक टेस्ट लेने से आधा घंटा पहले आप लोगों की एक क्लास ले लूंगी जिसके अंदर मैं सारी की सारी रॉक्स जो है उनका फॉर्मेशन और उनके एग्जाम्पल को मैं कल करवाऊंगी ठीक है बच्चा चलो ओके लास्ट कुछ क्वेश्चंस हमारे ऑल स्टडी टू ग्रुप ऑफ थिंग्स एज शोन इन दीप टेबल बिलो बायोडिग्रेडेबल क्या है बेटा फ्रूट पील मीट और डेरी प्रोडक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है गोल्ड चेन पॉली बैग एल्यूमिनियम कैन और एल्यूमिनियम फॉइल ओके नाउ ही मेड द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेज विच ऑफ द इन्फ्रेंस इज करेक्ट ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट आर हार्ड नहीं गलत है बेटा क्योंकि हमारी पॉली बैग जो है या अगर मैं फॉइल की भी बात करती हूँ तो वो हार्ड नहीं होती है ठीक है शेखर आपका मतलब क्या है कि मैम ये आपका गाइड है मैं एक्चुअली आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूं तो अगर आप मुझे अपना क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर करोगे ना तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी और वंश जब मैं मॉक टेस्ट करवाती हूँ आपको पता है कि जब मैम क्वेश्चन करवाती है तब मैम किसी से भी बात नहीं करती पूरा का पूरा ध्यान जो होता है मैडम का वो इसी बोर्ड की तरफ बेटा इसी एक्सप्लेनेशन की तरफ होता है ओके okay? सो so, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को इग्नोर कर रही हूं ओके okay? एंड बिल्कुल स्पैम करने की जरूरत नहीं है नाउ ऑल लिविंग थिंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं भाई बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट केम ओनली फ्रॉम एनिमल्स नहीं प्लांट के होते हैं मोस्ट थिंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर बायोडिग्रेडेबल ऑफ कोर्स जो लिविंग है बेटा वही बायोडिग्रेडेबल है लाइक हम यानी एनिमल्स हो गए और हमारे प्लांट्स हो गए तो हम सब और प्लांट से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं एनिमल से मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं फाइन नेचुरली जिन्हें हम डिग्रेड कर पाते हैं हाँ हाँ मैं करवा दूंगी ये तो मैंने बताया है है ना इग्नस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक पर मुझे लग रहा है कि उसके एग्जाम्पल थोड़े से और हमको करने चाहिए ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थिंग्स लिस्टेड बिलो आर बायोडिग्रेडेबल कौन कौन सा बायोडिग्रेडेबल है बेटा वुडन लॉग ओके उसके बाद में हमारा एप्पल और हमारा रोस्टेड चिकन गुड So, हो गया वन फोर्थ और सिक्स वन फोर सिक्स कहां है वन फोर सिक्स दिस इज वन फोर एंड सिक्स ऑप्शन नंबर डी ऐसे क्वेश्चन को मैं हजार बार बता चुकी हूं तुमको कि करने का यही तरीका होता है पहले आंसर मार्क करो और फिर उसको ढूंढो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चा नाउ विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ रूट वेजिटेबल तो रूट इज अ रूट वेजिटेबल वो है कैरेट बेटा क्योंकि पोटैटो जो है वो हमारा क्या है वो हमारा स्टेम है अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा क्योंकि उमर हमारे लिए फ्रूट है और कैबेज की अगर हम बात करते हैं तो वो लीव है ओके नाउ इफ डायरेक्शन ऑफ दी अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस इज ईस्ट टू वेस्ट इफ देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड ब्लोइंग इन सदर्न हेमोस्फेयर तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों आंसर करो इसको ये मैंने एक बार समझाया भी है आपको ये हमारी अर्थ है उसके बाद में हमारे पास में सेंटर में इक्वेटर है बेटा फिर ऊपर की तरफ हमारे पास में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन गुड ये हमारे ट्रॉपिक्स है और इन्हीं जोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं इन्हीं जोन को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे कैसे हैं ट्रोपिकल एरियाज है तो अब यहां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अगर हमारी अर्थ का रोटेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट हो जाए तो जो ट्रेड विंड चलेंगी सदर हेमिसफेयर में सदर्न हेमिस्फेयर कौन सा है बेटा हमारा ये सदर्न हेमिसफेयर है ये नदर हैमिस्फेयर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी लास्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट फट फट. आंसर भेजो क्या उनकी डायरेक्शन साउथ टू ईस्ट होगी क्या साउथ आ, साउथ टू वेस्ट होगी नॉर्थ टू ईस्ट होगी या नॉर्थ टू वेस्ट होगी जल्दी लास्ट क्वेश्चन है जल्दी करो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ टू ईस्ट चलो बच्चों तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और मॉक टेस्ट कर लिया मैं कल आप लोगों को डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं आप लोगों को ये जो रॉक्स है हमारी क्योंकि रॉक्स के बारे में काफ़ी सारी चीजें पूछी जा रही है बेटा तो रॉक्स और उनके एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से लिखवा दूँ तो मैं कल हो सकता है शायद आप लोगों की आधा घंटा पहले एक क्लास ले लूँ छोटी सी और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे मॉक टेस्ट को शुरू करेंगे तो प्यारे बच्चों मैं आपसे मिलती हूँ कल टिल देन थैंक यू जय हिंद जय भारत मैसेज पढ़ लिया हेलो हेलो एवरीवन एवरीवन गुड गुड इवनिंग इवनिंग वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक मिलिट्री एंड नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैनिक स्कूल एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अ वेरी नाइस मॉक टेस्ट टुडे तो शुरू करते हैं बेटा क्लास के साथ जय हिंद टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स हाई आयुष हेलो दिव्यांगश हेलो अंशु विल टॉक लेटर ओके हेलो हेलो रिया हेलो अलीशा हाय विकास हाँ जी गुड इवनिंग हाय विकास कुमार बेटा आप फीस हाँ जी बिल्कुल होगी आप फीस बिल्कुल भीमन्ना मुदनाकर मुदनॉलकर बेटा आप फीस है आप जाएंगे जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर आपको मिला होगा उस पर कॉल करके ले कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हैं रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक कोर्स ओके हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे विकास कुमार <laughs> हेलो श्रेया हेलो विश्व हेलो एवरीवन हाँ पैराग्राफ इज हाफ इज सो चलो देखते हैं एक बार पैसेज क्या है तो देखिए शुरू करते हैं इंग्लिश के सेक्शन के साथ सबसे पहले हमारे सामने पैसेज है देखिए क्या बोल रहा है पैसेज ही वर्क्स वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वो मेहनत करता है बहुत ज्यादा Uh, वो काम करता है बहुत मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक हिज रेट्स आर फिक्स्ड बाय द रेलवे डिपार्टमेंट उसके जो रेट्स हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा फिक्स करे जाते हैं अ पोर्टर रन्स फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अदर एज सोन एज द ट्रेन अराइव्स एक पोर्टर मतलब जो कूली होता है जो सामान कैरी करता है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म रन करता है जैसे ही कोई ट्रेन आती है ही फील्स लकी वेन अ पैसेंजर आस्क हिम टू कैरी हिज लगेज उसे लकी फील होता है जब कोई पैसेंजर उसे बोलता है कि आप मेरा लगेज कैरी कर

रेलवे पोर्टर कैरीज द डैश ऑफ द पैसेंजर्स तो क्या कहला क्या लेके जाता है हाँ दिव्यांश बिल्कुल छोटा सा पैसेज है हाय निकिता गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से क्लास को शेयर एंड लाइक करते चले राइट right? और साथ ही साथ जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं डू सब्सक्राइब द चैनल बेटा सबसे पहले सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर अब कि रेलवे पोर्टर कैरी करता है लगेज को पैसेंजर्स के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बोटर इज सीन एट एवरी एवरी क्या ऑब्वियसली हाफ पैराग्राफ है भी देखते हैं गजेंद्र कहां पे कहां पे मिलता है प्लेटफॉर्म पे दिखता है है ना ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर सेकंड क्वेश्चन का गुड काव्य गुड हेमा

तो काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे बता दिया है रेड शर्ट पहनता है येलो शर्ट पहनता है ग्रीन शर्ट पहनता है या फिर ब्लैक शर्ट पहनता है बेटा पोटर तो पहनता है रेड शर्ट पोर्टर पहनता है रेड कलर की शर्ट ठीक है पोटर पहनता है रेड कलर की शर्ट ठीक है आगे मूव करते हैं नेक्स्ट देखिए द बैज इज मेड ऑफ किसका बना होगा बैच अब ये आपको नहीं दिया हुआ है पैसेज में तो हम कुछ नहीं कह सकते वैसे तो किसका बना होगा आयरन का बना हो सकता है है ना ब्रास का भी हो सकता है बट वी स्टिल कैन नॉट से ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो हमें कट ही करना पड़ेगा डैश रन फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अदर एज सुन एज द ट्रेन अराइव तो कौन रन करता है पोर्टर रन करता है फिफ्थ का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोर्थ क्वेश्चन को हमें स्किप करना ही पड़ेगा ठीक है हाँ जी रेड 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 बिल्कुल सही रेड बिल्कुल सही चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है फटाफट से आइए इधर और हमें बताना है भाई क्या होगा हाँ तो अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन पॉइजन का इफेक्ट को काटने वाली मेडिसिन को क्या बोला जाता है जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स व्हाट शुड बी द राइट आंसर हां जी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हाँ पॉइजन के इफेक्ट आई हैव फुल है पैराग्राफ अच्छा चलो कोई बात नहीं ठीक है दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट हाँ बिल्कुल कैन बी डेटामाइंड बिल्कुल सही फोर्थ क्वेश्चन में आंसर इज ब्रास ओके तो हो सकता है कि बड़े जो पैराग्राफ पूरा हो कहीं पे उसमें दिया गया हो ब्रास कैन बी द राइट आंसर ओके चलिए बताइए तो सिक्स्थ में क्या सही आंसर होगा हमारा सिक्स्थ में एक ऐसी मेडिसिन जो कि पॉइजन के इफेक्ट को क्योर करती है अगर किसी के किसी पे पॉइजन का इफेक्ट हो जाता है तो उस पॉइजन के इफेक्ट को कट करने के लिए जो मेडिसिन लगाई जाती है वो होती है एंटीडोड हाँ सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर वेरी नाइस एवरीवन दैट्स फाइन कनेश होली नंबर 1 में देखा था पो터 रेड कलर की शर्ट पहनता है हां आयुष वेरी नाइस हाय नित्या, गुड इवनिंग बेटा कोई बात नहीं दैट्स ओके। क्वेश्चन देखो, वन डाइज फॉर अ नोबल कॉज एक ऐसा पर्सन जो किसी नोबल कॉज से मर जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं हाय जनाहन बेटा ओके मार्चर मर्सिनरी बेटा मर्सिनरी तो वो सोल्जर होते हैं जो कि पैसों के लिए लड़ते हैं Patriot होता है देशभक्त रॉबर होता है चोर तो एक ऐसा पर्सन जो किसी नोबल कॉज के लिए जिसकी डेथ हो जाए वो कहलाता है बेटा मार्टर वेरी गुड के महेश कुमार सिक्स ऑन सिक्स वेरी नाइस विश्व सेवन ऑन सेवन बहुत अच्छे तो so, यहाँ पे आपका सही हाई शान दैट्स ओके तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा सेवन का वेरी गुड अर्न कौशल द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए गुड हेमा तेजा हेमा तेजा वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस गुड काव्या कुमोद वेरी गुड श्रेया मिश्रा एक्सलेंट एक्सलेंट विकास क्या हो गया बेटा तुम्हें गुड निकिता अच्छा ओके ओके भीमा भीमन्ना वेरी नाइस गुड उद्यान बहुत अच्छे एवरी वन चले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड तो आप सभी को पता है जब मेरी आवाज आपको नहीं आती तो आप सभी क्या कहते हैं मैम यू आर नॉट ऑडिबल एंड नॉट ऑडिबल बिकम्स Audible, यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाली वेरी नाइस वेरी गुड एवरी वन चलिए जैम वेरी गुड आगे मूव करें बेटा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे वर्क हार्ड डैश यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ राइट मेहनत करो वरना आप सक्सीड नहीं करेंगे लाइफ में बताइए बेटा क्या होगा या तो ये या ये ये कर लोगे तो ये हो जाएगा जल्दी से बताइए क्या होगा बताइए वर्क हार्ड एंड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ मेहनत करो और आप सक्सीड नहीं होगे लाइफ में वर्क हार्ड बट यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ मेहनत कर लो मेहनत करो Uh, या फिर सक्सीड नहीं होगा लाइफ में बट नहीं आ सकता बट नहीं होगा मेहनत करो पर तुम सक्सीड नहीं हो गए ऐसा नहीं होगा वर्क हार्ड अनलेस यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ भाई अनलेस तो ऑलरेडी नेगेटिव है उसके बाद वाले क्लॉज में नॉट आ ही नहीं सकता है तो नाइन्थ का सही आंसर सी नहीं हो सकता क्योंकि अनलेस अंटिल नेगेटिव कंजंक्शन होते हैं उनके बाद में नॉट नहीं आता सही ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर डी दैट इज और ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड वेरी गुड निंजा बी जी वेरी गुड हेमा वेरी गुड अर्नव शौर्यवीर अर्नव बहुत अच्छे प्रथमेश वेरी नाइस एवरीवन गुड गुड रेनु कुंतल वेरी नाइस आयुष गर्ग बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे गुड काव्या कुमन चलिए अश्लेषा वेरी नाइस तृप्ति कुमारी ओके तो यहाँ पे अनलेस नहीं आएगा बेटा अनलेस के बाद नॉट नहीं आ सकता लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यू विल वेट डैश आई रिटर्न तो आपको वेट करना है जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती वट शुड बी द राइट आंसर यू विल वेट स्टिल आई विल रिटर्न ठीक है फिर भी मैं रिटर्न करूंगी और बट आई रिटर्न बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है सेकेंड में होने वाला वेरी गुड नूरेन बहुत अच्छे बेटा गुड अंशू वाट शुड बी द करेक्ट आंसर तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ओके रवि ऑल राइट तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए टेंथ का हमारा सही आंसर आना चाहिए टिल आपको वेट करना है उस समय तक जब तक मैं वापस नहीं आती टाइम इंडिकेटर बेटा हमारा होता है टिल ओके सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी टिल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन राइट द सिनोनिम ऑफ एनुअल एनुअल का सिनोनिम बताइए हाई अभिनय ओके गॉट यू चलिए तो बताइए एनुअल एनुअल का मतलब क्या होता है वार्षिक एनुअल का मतलब क्या होता है वार्षिक व्हाट शुड बी द सिनोनिम ऑलवेज चुरी डेली या इयरली तो एनुअल फंक्शन होता है हमारा मतलब हमारे साल के एंड पे जो एक साल की समाप्ति पे जो फंक्शन होता है दैट इज ईयरली एनुअल का मतलब हो जाएगा ईयरलीके वॉट इज सेंचुरी सेंचुरी तो सौ साल की अवधि को बोला जाता है डेके दस साल की अवधि को बोला जाता है सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ठीक है

चलो लेट्स मूव ऑन गुड अंशु अंशु सी कैसे हो सकता है बेटा सेंचुरी का मतलब तो सौ साल की अवधि होता है ना है ना ओके दैट्स ग्रेट अश्लेषा आई होप यू एंजॉयड नॉलेज का बताइए क्या सही सिनोनिम होने वाला है लर्निंग नहीं होगा लर्निंग नहीं होगा बेटा लर्निंग नहीं होगा लर्निंग का मतलब तो होता से दिमाग वाला क्रूअल सा पर्सन चालाक सा पर्सन क्लेवर सा पर्सन इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर ओके इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर लेट्स मूव ऑन टू वन गुड दिव्या वेरी नाइस बेटा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो वट इज दिन ऑफ हेस्ट मेक हेस्ट बी लेट मेक और लेट हो जाओगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्टींथ क्वेश्चन का सिनोनिम बताना है Haste का बताइए। अब क्या करना है मेक हेस्ट और यूल बी लेट क्या मतलब हो सकता है इसका जल्दी करो वरना लेट हो जाओगे तो यहां हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर गुड जियान गुड गजेंद्र यहां पे हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी दैट इज हरी जल्दी करना वेरी गुड विकेट का मींस होता है right? कनिंग हो, सा होना बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट काइंड ऑफ होना राइट right? क्रूअल सा होना इज द मीनिंग ऑफ विकेट ओके विकेट इंटेंशन ऐसे शैतानी इंटेंशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज बोरो का उधार लेना का क्या होगा? तो बोरो का उधार देना कॉस्टली उधार देना? उधार देना नहीं होता कॉस्टली महंगा होता है इंटरेस्ट ब्याज होता है लॉस का मतलब घाटा होता है लैंड करना लैंड करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स लैंडिंग का मतलब होता है uh, किसी को उधार पे देना ओके okay? मैम डोंट कॉल मी संदेश आपका नाम संदेश है क्या चलिए बिल्कुल सही लेट्स मूव ऑन गेस लैंड इज गोइंग टू टू बी द द राइट आंसर लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखिए राइट द एंटोनिम ऑफ शालो शालो का मतलब होता है बेटा उथला ओके रवि ऑल राइट शालो का मतलब होता है उथला इसका मतलब क्या है समथिंग दैट इज नॉट दैट डीप दैट्स फाइन बेटा दैट्स फाइन रिया इट्स ओके बाद में अटेंड कर लेना आप क्लास है ना मैम हमने ये सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था चलो वेरी नाइस ओके कृषाक चलिए बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर संदेश संदेश वेरी नाइस बेटा तो पे शैलो मतलब क्या होता है उथला जो कि इतना ज्यादा डीप ना हो तो आप बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा एंटोनिमी तो बताना है वेरी नाइस वेरी नाइस तो आपका सही आंसर ऑल राइट रवि आई टेक्स्ट तो यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज डीप ऑप्शन नंबर ए दैट इज डीप ऑल राइट चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है द सर्वेंट डैश अप द मैट तो बताइए क्या आना चाहिए द सर्वेंट रोल ऑफ द मैट रोल ऑफ द मैट रोल्स ऑफ द मैट या रोल ऑफ द मैट बताओ वॉट इज द राइट स्पेलिंग हां जी सॉरी टाइपिंग मिस्टेक दैट्स ओके हाँ तो यहाँ पे रोल नहीं आ सकता रोल नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता देखो क्योंकि सर्वेंट है ना सर्वेंट तो सिंगुलर है हमारा सर्वेंट कैसा है सिंगुलर अब सिंगुलर के बाद तुम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो करोगे नहीं और रोल करना मतलब फोल्ड करना तो ये दोनों स्पेलिंग तो गलत हो जाती है ये तो वो कोई मूवी का रोल होता है कोई पार्ट होता है कोई एक्ट होता है उसे अपन रोल बोलते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोल्स अप द मैट ये सही आंसर हो जाएगा द चाइल्ड इज यंग टू गो टू स्कूल अलोन चलिए बताइए जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा यंग है कि वो स्कूल अकेला जा सके तो बताओ बहुत ज्यादा यंग होना तो बहुत ज्यादा के लिए जो आप यूज करते हैं वर्ड वो क्या होता है जल्दी से बताओ गुड सिक्सटींथ का सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर रोल्स रॉयस हां जी चलिए तो बताइए क्या सही आंसर होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा टू 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 रिप्रेजेंट करता है आपको बहुत ज्यादा तो आप यहाँ पे बोलेंगे चाइल्ड इज टू यंग टू गो टू स्कूल बच्चा बहुत ज्यादा यंग है स्कूल अकेले जाने के लिए टू यंग टू गो अलोन ठीक है तो टू टू हमारा स्ट्रक्चर बनता है भैया टू टू और टू टू नहीं हो तो इसके बाद आप सो so दैट का भी यूज कर सकते हो ऑल जी वेरी नाइस आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो द चाइल्ड इज सो यंग दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल अलोन दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू राइट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस ओके सो दैट का यूज करके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका नरेशन पे बेस्ड सेंटेंस देखिए ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर राइट So he told her, अब क्या हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमर्स हटके किस में बदल जाते हैं कनेक्टर क्या आ जाता है सो ही टोल्ड हर दैट आगे लिखा हुआ आई वॉन्ट टू मीट योर फादर अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आय आय जब दिया होता है तो वो बदलता है किसके अकॉर्डिंग बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है हमारा ही तो आय भी किसमें बदल जाएगा ही में बदल जाएगा ही अब वॉन्ट भी किसमें बदल जाएगा बेटा वॉन्ट है सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंटेंस बदल जाता है सिंपल पास टेंस में ही वॉन्टेड टू मीट योर में बदलेगा योर है सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर तो योर में बदल जाएगा हर में बदल जाएगा और हर फादर आप यहाँ पे लिख देंगे सो ही टोल्ड दैट ही टोल्ड दैट ही वॉन्टेड टू मीट हर फादर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ये गलत हो जाएंगे ही टोल्ड हर दैट हीड नहीं होगा और आई वॉन्ट तो होगा ही नहीं

नेक्स्ट देखिए द टीचर सेट अब मैं बताती रहती हूँ कैसे चेंज करना है लेट मी मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं नरेशन के क्वेश्चन तुम्हें थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पे भले ही आपने पढ़े हो या नहीं पढ़े हो डोंट वरी लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू इन डिटेल ठीक है अब देखो क्या होता है ये जब टोल्ड पता है कब आता है टोल्ड तभी आता है जब आपके बाद यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो अगर ऐसा होता ना सेड टू द स्टूडेंट्स तभी आप इसको बदलते किसमें टोल्ड में ऐसे लिखते हैं पर अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया टू लिख के कोई नाउन नहीं दिया हुआ या फिर कोई प्रोनाउन नहीं दिया हुआ तो ये सेड टोल्ड में नहीं बदलेगा पहली बात तो ये तो ये सेड सेड में ही रहना चाहिए ठीक है द अर्थ मूव अराउंड कर टोल्ड में बदलेगा नहीं टोल्ड में बदलेगा नहीं तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बनना चाहिए और अगर कोई फैक्ट आ जाए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए तो उसके टेंस में कोई बदलाव होता नहीं है टेंस में कोई चेंज होगा नहीं तो अर्थ मूव जाएगा इससे बनता है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और तुम्हें कुछ नहीं करना अगर तुम्हें ये नहीं भी पता होगा ना तो थोड़े बहुत भी पॉइंट अगर तुम्हें पता है तो तुम सारे पार्ट एलिमिनेट भी कर सकते हो जैसे यहाँ टोल्ड आ गया टोल्ड में तो बदलता ही नहीं यहाँ टोल्ड आ गया टोल्ड में बदलता ही नहीं टीचर आस्क पूछेगी क्यों टीचर तो बता रही है ना तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा गलत समझ में आया सभी को समझ में आ गया और वेरी नाइस ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ठीक है और देखते हैं और क्वेश्चन अगर वेरी गुड के क्रिएशन बेटा वट इज योर नेम बच्चे वॉट इज योर नेम गुड गु गुड गुड एवरी वन बहुत अच्छे चलिए स्टूडेंट्स आगे मूव करें लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए क्या है वापस आपको दिया हुआ है नरेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू एज वेल थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन के टाइम आई एम नॉट लुकिंग एट यू इज राइट बट लेट मी एक्सप्लेन जस्ट गिव मी वन मिनट टू डू दैट ऑल ओके 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 चलो ग्रेट वेरी नाइस गुड अलीशा गुड 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 जियान अंशु बढ़िया बढ़िया वेरी नाइस के महेश गुड गुड वेरी नाइस बेटा वेरी गुड अशलेशा हम्म चलिए तो अब नेक्स्ट देखिए बेटा राज सेड तो राज सेड अब देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया वरना तो सेड टोल्ड में नहीं बदलेगा सेड सेड ही रहेगा बट सेट सेट में भी क्यों रहेगा क्योंकि आप देख रहे हो कि ये तो क्वेश्चन है और जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो सिंपली आस्ट में बदल जाती है किस में बदल जाती है आस्ट में बदल जाती है अब अगर बात करें कनेक्टर के बारे में कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के तुम डाट लगा दो इफ लगा दो वेदर लगा दो ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जब WH वर्ड से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है तो वो WH वर्ड ही हमारा कनेक्टर बन जाता है अगर WH वर्ड से नहीं शुरू होता तो इफ या वेदर हमारा कनेक्शन uh, कनेक्टर बन जाता क्या बन जाता हमारा कनेक्टर इफ या वेदर बन जाता बट यहाँ पे तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टर रहेगा ठीक है तो डब्ल्यू एच वर्ड हमने लिखा अब जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में आप सेंटेंस लिखते हो ना वो कभी भी कभी भी इंटेरोगेशन वाले फॉर्म में नहीं हो सकता मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकती आपको पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा फिर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ही इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आता है समझ में आया तो अब देखिए क्या है इज शी गोइंग नहीं होगा शी पहले आएगा फिर हमारी वर्ब आएगी ठीक है तो मैंने वेयर के बाद लिख दिया she. अब she के बाद से पहले is लिखा हुआ था जो कि में में आता है तो present tense को तो भैया को बदलना पड़ता है तो इसको मैं बदल दूंगी किसमें वॉज में और गोइंग एज इट इज वेयर शी वॉज गोइंग ये मेरा बन जाएगा गोइंग ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर समझ में आया बताओ क्लियर है सभी को क्लियर है ठीक है चलो मैं एक सेंटेंस तुम्हें देती हूं वो मुझे कन्वर्ट करके बताना द सेंटेंस इज लाइक दिस ओके राज आस्ट प्रिया ठीक है नहीं नहीं राम सेड डिड यू डू इट क्वेश्चन मार्क ठीक है कन्वर्ट करके बताइए कन्वर्ट करके बताइए गुड काश्वी बेटा गुड काश्वी वेरी नाइस nice. इसको कन्वर्ट करके कर बताओ जल्दी से बताओ आप मुझे बोल रहे थे एक्सप्लेन कर दो तो मैं कर देती हूं देखो राम आस्ट राम सेड प्रिया अब बाद में मुझे दिख गया भैया इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जो ये मेरी सेट टू प्रिया पहली बात तो सेट टू प्रिया सेड प्रिया नहीं आएगा राम सेट टू प्रिया ठीक है तो अब जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी आस्ट में और राइट तो क्या हो जाएगा राज आस्ट राज आस्ट प्रिया टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है अब क्या आ गया आपके पास अब जो आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है वो डिड से शुरू हुआ है है है. अपनी helping verb. Did अपनी helping verb है, तो अब जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा उसमें जो कनेक्टर यूज करते हैं अपन क्या करते हैं अपन कनेक्टर जो यूज करते हैं वो डिड नहीं आता बेटा वो कनेक्टर आता है इफ या वेदर डिड कब आ जाएगा या इफ या वेदर 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 इफ या वेदर आ जाता है ठीक है ये एज इट इज तब आएगा जब डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स होंगे अगर वॉट आ गया वेयर आ गया हाउ आ गया होम आ गया हो आ गया तो एज इट इज आ जाते हैं ये बट अगर डू डस डिड वहां पे इफ या वेदर का यूज करेंगे किसका इफ या वेदर का तो मैं यहां पे लिख दूंगी राष्ट आस डिड यू डू इट इफ अब क्या बनेगा बताइए अब आपको सब्जेक्ट चाहिए इफ शी देखो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है प्रिया के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इफ शी डिड डिड तो सिंपल पास्ट होता है सिंपल पास में इफ शी है इफ शी बताओ समझ में आया क्या सेंटेंस यू डू इट कैसे लिख दोगे बेटा पास्ट टेंस दिया हुआ है डिड का यूज करा है डिड पास्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में इफ शी इट ठीक है और पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी पहले आएगा सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब आएगी इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा subject, verb, object के सीक्वेंस में रहता है हाँ, लिख सकते हो समझ में आया शी गुड एक और सेंटेंस दे दू? एक और sentence दे दो लेट मी गिव यू वन मोर सेंटेंस देखो मैंने लिख दिया राज डॉक्टर राज सेड इज ही चेंज करना है मैं बताती हूं कैसे चेंज करना है तुम लोग ध्यान से सुननाड किस में बदल जाएगा भैया तो सेड बदल जाता है आस्ट में टोल्ड वर्ल्ड नहीं आता राजस्ट ठीक है अब आपका जो सेंटेंस है वो शुरू किससे हुआ है इससे शुरू हुआ है राइट इससे शुरू हुआ तो जो कनेक्टर आएगा आपका ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना

ने अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आ गया ना नरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ या वेदर अरे ये वाला वेदर मत लिखो बेटा ये वाला वेदर मत लिखो ये जो वेदर आपने लिखा है w a t h r t h r ये वाला वेदर मौसम वाला वेदर होता है है ना ही वाज अ डॉक्टर चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आई नो मैं आप सभी शायद बोर हो गए कि ये क्या पढ़ाने लग गई राइट right? बट uh, काफी सारे बच्चों को काफी सारा डाउट हो रहा है नरेशन में तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैंने जैसे आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं तो मैं तुम्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बता दिए पांच छह तरीके के पांच तरीके के सेंटेंसेस तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं एसर्टिव होता है इंटेरोगेटिव होता है एक्सट्रीमेटिव होता है इंपेरेटिव होता है ऑप्टेटिव होता है ये करते ही आपका पूरा काम खत्म है और नरेशन हो गया सॉल्व ओके हाँ बताओ भाई वॉट इज योर नेम अच्छा चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज कर देती हूँ राम सेड राम सेट शाम कर देते हैं रात सेट टू शाम कर देते हैं ठीक है इज़ योर नेम कैसे कर सकते हो इसको में तो करा नहीं तुमने और वट वॉज योर नेम कैसे कर सकते हो देखो सब गलत आंसर दे रहे हैं सब गलत आंसर दे रहे हैं देखिए क्या आएगा राज आस्ट श्याम पहले बात तो क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई कनेक्टर नहीं आएगा कोई कनेक्टर नहीं आएगा सिंपली आ जाएगा इफ वेदर नहीं लिखना है है ठीक इफ वेदर नहीं आएगा वॉट अब अब क्या आ जाएगा इस दिया हुआ है ना आपको ये स्ट्रक्चर है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा है ना पर हमें क्या करना है पर हमें पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना सब्जेक्ट से हमें हेल्पिंग वर्ब को बाद में ही लिखना है सब्जेक्ट के तो जो हमारा सब्जेक्ट है ना दैट इज योर नेम वो पहले आना चाहिए अब योर नेम किस में बदलेगा योर सेकेंड पर्सन होता है पर्सन वाला प्रोनाउन बदलता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग है object according, object है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा शाम तो योर नेम बदल जाएगा हिज नेम में ठीक है राज आज श्याम व्हाट हिज नेम हिज नेम और बाद में आ जाएगा वॉज जी फुल स्टॉप लग जाएगा ठीक है वॉट इज नेम वॉज हेल्पिंग वर्ब बाद में वर्ब बाद में, में सब्जेक्ट पहले वॉट इज योर नेम नहीं आ सकता वॉट के बाद अगर इज लग दिया तो ये अभी भी इंटेरोगेटिव ही है वॉट योर नेम इज नहीं वॉट योर नेम वॉज याट इज ने ठीक है चलिए आगे मूव मूव करें लेट्स ऑन टू द नेक्स्ट वन मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया है सभी को अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वी डोंट हैव मच टाइम टाइम हो चुका है मैं एक्सप्लेन ही करने लग गई आपको तो बाकी सारे थोड़े क्वेश्चन बाकी है लेट मी टेल यू द आंसर हेल्प माई फ्रेंड्स आई विद देयर होमवर्क सिंपल सी बात है आई हेल्प माई फ्रेंड्स विदर होमवर्क तो आना चाहिए सी ए बी एंड डी सी ए बी डी किधर है पहला ऑप्शन है इज योर हाउ बेस्ट फ्रेंड ओल्ड ठीक है हाउ ओल्ड इज योअर बेस्ट फ्रेंड यही बनेगा तो हाउ ओल्ड इज योर बेस्ट फ्रेंड तो हाउ मतलब बी फिर डी फिर ए और फिर सी बी डी ए सी बी डी ए सी ऑप्शन नंबर डी ठीक है जी और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर एंड लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक हाँ चलो नेक्स्ट देखो रेनिंग इट इज नॉट तो इट इज नॉट रेनिंग इट बी डी सी ए बी डी सी ए ऑप्शन नंबर सी लेट्स टेक सम रेस्ट लेट्स अब भैया अस है ना तो भाई वी के साथ क्या लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज नहीं होता शाल का यूज होता है लेट के साथ आप शाल का यूज करेंगे जब भी फर्स्ट पर्सन आए तो लेट्स टेक सम रेस्ट शाल वी शी स्पीक्स इंग्लिश वेल डजन शी सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना डजन शी शी ठीक है ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव ऑल राइट बट लेट के केस में शाल ही आता है ऑल राइट क्लियर है सभी को तो ये हमारे 25 फाइव क्वेश्चन हो गए तो आज के लिए इंग्लिश में इतना ही आई जस्ट होप जो नरेशन के कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं वो आप सभी को काफी समझ में आए और क्वेश्चन लेंगे और मजा आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे ठीक है तो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स इट वॉज रियली गुड टीचिंग ऑल कल मिलते हैं जय हिंदन टेक प्राउड ऑफ यू ऑल और ट्वेंटी फोर वाले भी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा और अगर कम भी आए हैं किसी के तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड क्योंकि बेबी स्टेप्स लेके ही हम चलना सीखेंगे है ना सो डोंट वरी दिस नो नीड टू वरी अभी टाइम है चलिए बाय गाइज स्लो एंड स्टीडी विंस दर इज सो वी कैन बी स्लो कोई दिक्कत नहीं है बट हमें स्टडी जरूर रहना है मतलब रेगुलरली हमें मेहनत करते रहनी है ठीक है मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए भले ही धीरे धीरे हो बट वी आर गोइंग टू सक्सीड ऑल राइट बाय टू ऑल गुड इवनिंग क्लास वेलकम ऑल टू शौर्य सैनिक मिलिट्री नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल जयन टू ऑल स्टूडेंट्स तो बेटा यहाँ पे आपके क्लास सिक्स की मॉक टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर हम करेंगे मैथमेटिक्स का पोर्शन ठीक है जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए हमारे पास फिफ्टी क्वेश्चन है टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट हमको करना है कितने मान के चलो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे ठीक तो है सर आ चुके हैं बिल्कुल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाई सेलिंग अ चेयर फॉर फोर फाइव डबल जीरो और ट्रेडर गेंस ट्वेंटी परसेंट फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बेटा सीपी निकालना है और एसपी आपको दे रखा है कितना है साढ़े चार हजार एसपी कितना है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सीपी निकालना बेटा प्रॉफिट केस में फॉर्मूला होता है एसपी प्रॉफिट होता है तो बेटा हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और होल डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम हंड्रेड सीपी हमारे पास फोर फाइव डबल जीरो एस पी प्रॉफिट एंड ट्वेंटी हंड्रेड प्लस ट्वेंटी होता है आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपका यहां से क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बच्चे आंसर दे रहे हैं थ्री सेवन फाइव जीरो बेटा मेरे को आइडिया नहीं है अगर आ रहा है तो अच्छी बात है सर ने आंसर का फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू दिया है वैल्यूज लिख दी है सोल्व आप कीजिए आंसर इज थ्री सेवन फाइव जीरो जीरो की हमारी सीपी थी थ्री था, थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी उसको हमने बेचा फोर फाइव डबल जीरो के अंदर हाई हेलो जो भी बच्चे आंसर देंगे क्वेश्चन uh, नंबर के साथ देंगे कि फर्स्ट का दो 200 सेकंड का डेढ़ सौ परसेंट सिंपल तरीके से देखो बेटा 200 का 100 परसेंट क्या होगा 200 खुद होगा और 100 परसेंट का आधा होता है 50 परसेंट तो कितना हो जाएगा बेटा 200 और सॉरी दो का पचास परसेंट आधा यानी सो दो और सौ कितना होता है तीन आप करके भी देख सकते हो वन परसेंटेज का हंड्रेड ऑफ का मतलब होता है इन कितना आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास थ्री हंड्रेड कितना आएगा थ्री हंड्रेड सिंपल तो सेकंड का आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए 300 हंड्रेड डन है चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा तीनों को ऐड करना है देखो बहुत ही सिंपल है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में माइनस का ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है बेटा टू ए में से ए माइनस करूंगा आंसर आएगा ए फिर से बेटा देखो प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है टू बी का स्क्वायर माइनस करूंगा बी स्क्वायर तो कितना आएगा बेटा बी स्क्वायर यानी मेरे पास वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब देखिए बेटा प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर को माइनस करेंगे आंसर आएगा बेटा सी स्क्वायर आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अच्छा 135 आउट ऑफ 150 चलो ठीक है तो आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी बेटा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर थर्ड सुरेश कुमार का आंसर आया सी थर्ड का ए नहीं है बेटा यहां पे ट्वाइस ऑफ सी है ट्वाइस ऑफ सी नहीं आएगा सी का स्क्वायर आएगा तो आयुष बेटा ए आंसर नहीं आएगा थर्ड का थर्ड का आंसर आएगा सी चलिए राइट एंगल ट्रैंगल दे रखा बेटा आपको ए सी स्क्वायर फाइंड करना है बेटा ये वाला ठीक है ना एसी स्क्वायर जिसको आप हाइपोटेनस भी कहते हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर एसी का स्क्वायर किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर तो एसी स्क्वायर होता है बेटा इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर फोर्थ का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा बिल्कुल निलेश बिल्कुल सही है स्पैम कर दिया हो डोंट स्पैम गधे सी ठीक है oh, don't spam, don't spam, क्लास में आने वाले बच्चे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए हम स्पीड में चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन भी काफी हो चुके हैं आइए भाई कह रहा बेटे ट्वेंटी फाइव इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है फाइव टाइम्स ऑफ ए बी सी नंबर को नंबर से डिवाइड कीजिए जब डिवाइड करूंगा ए में, में आ रहा है और सोल्व करना है A से ए कट जाएगा बी से बी कट जाएगा सी से सी कट जाएगा आंसर आएगा फाइव ए बी सी फाइव ए बी सी फिफ्थ का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पांच क्वेश्चन हमने कर लिए सारे सिंपल से क्वेश्चन है बेटा पेपर भी सिंपल ही आएगा चिंता मत करो फिफ्थ का है फटाफट पड़ से आ जाओ बेटा सिक्स पे सिंप्लीफाई करना होमवर्क में दे दू चलो सिंप्लीफिकेशन बेटा आपका होमवर्क ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं ऐड करना है इन तीनों को ऐड करना है इसमें से कर देना है माइनस ये क्वेश्चन रहेगा आपके होमवर्क में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के ऊपर बेटा वन बाई थ्री का होल स्क्वायर इससे आसान क्वेश्चन तो शायद ही होगा आपको सेवेंथ का आंसर देना है सिक्स रहेगा आपका होमवर्क वन बाई थ्री का होल स्क्वायर तो बेटा वन का स्क्वायर इज वन थ्री का स्क्वायर इज नाइन इन वन बाई नाइन इज द आंसर ठीक है फर्जी सवाल सिंप्लीफाई करना है बेटा बॉर्ड मास लगाइए सबसे पहले सर सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे फिर हम ये सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉर्ड मास कहता है सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा से वन टाइम फोर से फोर टाइम तो बेटा मेरे पास क्या आ रहा है यहां पे वन बाई फोर प्लस ये भी क्या आएगा वन बाई फोर माइनस वन बाई टू चलिए भाई बेटा इन तीनों का एल्सियम ले लीजिए एल्सियम आएगा फोर या आएगा वन प्लस वन माइनस टू ये आएगा और तो क्या आएगा बिल्कुल सही वन और वन क्या हो जाएगा बेटा टू टू माइनस टू होगा जीरो जीरो डिवाइडेड बाई फोर आंसर आएगा जीरो ऑप्शन नंबर डी सिंप्लीफाई कर दिया हमने एट का आंसर आएगा ऑप्शन डी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे मिलेगा जीरो ही और यहां है बेटा फोर बाई सेवन का होल क्यूब बताना है नाइन्थ वाले क्वेश्चन के अंदर आपको फोर बाई सेवन का होल क्यूब बताना है नाइन्थ का आंसर दीजिए एट तो बड़ा ही सिंपल था सेवन पूरा पेपर ही सिंपल है फिलहाल तो एट्थ का बी कौन था एट्थ का बी देने वाला बहुत पिटोगे फोर आ रहा आंसर तुम्हारा nine का बेटा फोर का क्यूब कितना होता है फोर का क्यूबिक्री फिफ्टी थ्री होता है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी विदाउट टाइम वेस्टिंग नाइन्थ का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी नाइन्थ का आंसर आएगा बी आरव अर्नव कृष्ण अवदेश कृषंक चौहान विवियन दिव्यांश कौस्तु बिल्कुल सही सुलेषा सुरेश कुमार हीमा माही जगदेव के क्रिएशन दिव्यांश प्रथमेश विकास नूरेन बिल्कुल सही बेटा का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फटाफट से आ जाते हैं टेंथ पे चलो भाई सॉल्व करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा पूरे का सॉल्व करेंगे हम. प्लस वाले कौन है बेटा इन तीनों को प्लस करो माइनस माइनस भी एक तरीके से प्लस होता है उन तीनों को प्लस करके माइनस कर देना बेटा तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है रूल तो सबको पता ही है चलो यहां करते हैं जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट वन 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 आइए इन तीनों को ऐड करेंगे बेटा जी अच्छा और आसान कर देते हैं ना इतना क्यों कर रहे है? बेटा प्लस का जीरो पॉइंट वन माइनस का जीरो पॉइंट वन काम खत्म प्लस का जीरो पॉइंट जीरो वन माइनस का जीरो पॉइंट जीरो वन काम खत्म आपके पास क्या बच रहा है बेटा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू बच रहा हमारे पास सर माइनस का है ना बिल्कुल सही है तो टेंथ का कितना आएगा भाई मैंने सही तो लिखा है ना जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू आंसर कितना आएगा आएगा बेटा माइनस माइनस में में एक ही है छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करना है चलो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज फाइंड इट्स एरिया एरिया एंड बेटा दे इट सर्कमेंस नहीं है क्योंकि एरिया के अंदर ही सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है तो डायमीटर सेवन है बेटा एक सर्कल है सर्कल का डायमीटर सेवन है तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का आधा रेडियस होगा सर सेवन बाई टू लगाओ एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई r का स्क्वायर पाई की वैल्यू होती है 22/7 रेडियस ऐसा हमारे पास 7/2 तो 7/2 का क्या कर दोगे बेटा होल स्क्वायर यहां आएगा 22 अपॉन 7 7 का स्क्वायर 49 2 का स्क्वायर 4 7 टाइम 7 से 7 टाइम ये दो बार गया ये 11 बार गया आंसर आ रहा है बेटा 77/2 और जो कि किसके इक्वल होगा आपके इन्होंने पता कुछ तो गड़बड़ की ऑप्शन गलत है बेटा थर्टी एट पॉइंट फाइव ऑप्शन गलत है बेटा हाँ भाई डायमीटर दे रखा था बेटा एरिया क्या आएगा अरे गलत है पूरा क्वेश्चन ही गलत है बेटा या तो सर्कम्फ्रेंस निकाल दो या तो सर्कम्फ्रेंस दे रखा होगा बेटा टू पाई आर सर्कम्फ्रेंस निकाल के देख लो टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू सेवन बाई टू तो सात से सात गया दो से दो गया ट्वेंटी टू बेटा एक काम करो एरिया हटा दो सर्कम ले लो ऑप्शन गलत है ऑप्शन गलत है अगर मैं एरिया हटा दू और सर्कमफ्रेंस रख दू एरिया हटा दो और बेटा क्या रखो फाइंड फाइनल सर्कमफ्रेंस आंसर आएगा ट्वेंटी टू यहां से स्क्वायर हटा देना सर्कम्फ्रेंस में कभी भी स्क्वायर नहीं लगेगा ठीक है ना बेटा तो हमारे यहाँ आ रहा का होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला टू पाई आर ऑप्शन आर रॉन्ग ठीक है बिल्कुल सही आ जाओ बारह पे कह रहा है बेटा इन द राइट एंगल ट्रा अदर टू एंगल्स आर इन रेशियो वन रेशियो फोर फाइंड द एंगल्स दलो फाइंड है क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन काफी एरर आ रहा है बेटा कह रहा है देखो एक एंगल तो 90 का होता है कह रहा है बचा हुआ क्या है बेटा ये 1x है और ये क्या है 4x है तो आई गेस आपसे x की वैल्यू पूछी होगी फाइंड x कर दो बेटा फाइंड x ओनली आप x फाइंड करो ठीक है ना फाइंड x हम अपना आंसर ही चेंज कर देते हैं एंगल्स नहीं पूछा हमसे ठीक है चलिए तो बेटा देखो ये तो होता है नाइन डिग्री तो तीनों का सम कितना होगा वन एट्टी यानी नाइनटी प्लस वन एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल टू कितना बेटा वन एट्टी इन दोनों को जोड़ता होता की वैल्यू आएगी बेटा एटीन आप बस एक्स निकाल लो एक्स कितना आएगा एटीन तो एक एंगल आएगा एटीन दूसरा आएगा सेवेंटी टू यानी यहां बेटा चलो क्वेश्चन मस्त करते हैं फाइंड दार्जर एंगल रेशियो में से बेटा जो सबसे बड़ा है ना वो फाइंड करो तो आंसर कितना आएगा 72 पे टिक कर देना ठीक है 18 सर बिल्कुल सही कह रहा मैन बॉट 30 केजी ऑफ शुगर फॉर 300 फॉर व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल इट टू गेन 10% एक आदमी बेटा 30 केजी चीनी ला रहा है रुपए पे फॉर व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल टू गेन 10% बेटा देखो 30 केजी आप ला रहे हो 600 में आपसे प्राइस पूछिए पर केजी तो पहले पता करो कि बेटा पर के की कॉस्ट क्या है तो अगर मैं कहता हूं बेटा मैं तीस के लाया हूं छह रुपए में तो एक के की वैल्यू कितनी आएगी बीस रुपए आएगी अब क्या कह रहा है टेन परसेंट का प्रॉफिट कमाने के लिए मैं उसको कितने में बेचूं? तो बेटा आपने ट्वेंटी रुपीज में खरीदा है ट्वेंटी के ऊपर टेन परसेंट का प्रॉफिट अर्न करना है टेन परसेंट का रूल क्या होता है भाई ट्वेंटी का टेन परसेंट क्या होगा सर एक जीरो कम कर दो यानी आंसर होगा टू यानी बीस रुपए की चीज है बेटा दो रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको कितने में बेचोगे बाईस रुपए पर के जी में सेल किया जाएगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड थर्टीन का भी ए आ रहा है बेटा ठीक है ना ट्वेल्व नहीं है थर्टीन है कह रहा है बेटा एक फुटबॉल फील्ड है वन सेवेंटी मीटर लॉन्ग है वन थर्टी मीटर वाइड है हाउ मच डिस्टेंस डज अ बॉय कवर इन टेकिंग पांच राउंड इसके पांच राउंड लगाऊंगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा तो बेटा लेंथ को को मान मान लो लो 170, लो 130. बाउंड्री के चक्कर लगाया जाता है बाउंड्री को हम कहते हैं बेटा पेरीमीटर जरा पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बेटा टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी दो है लेंथ लेन सेवेंटी ब्रेथ है 130, 200 तो 300 कितना आएगा बेटा 600 मीटर एक राउंड के अंदर हम 600 मीटर कवर करते हैं तो पांच राउंड में हम कितना कवर करेंगे बेटा पांच राउंड के अंदर हम 3000 मीटर कवर करेंगे क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब मीटर नहीं किलोमीटर में आंसर निकालो तो बेटा इसको थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे यानी तीन मीटर में कितने किलोमीटर होंगे तीन किलोमीटर होंगे आंसर आएगा फोर्टीन का ऑप्शन नंबर बी आ जा फिफ्टीन पे कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड ऑन एट फोर हंड्रेड फॉर थ्री इन एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट बेटा कह रहा है चार सौ रुपए है प्रिंसिपल कितना है, चार है रेट है बेटा तीन, और है, तीन साल तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकाल लो कुछ नहीं प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट एड करो कितना आएगा अमाउंट आएगा तो चार सौ रुपए पी आर टी लगा रहा हूं तीन परसेंट तीन साल के लिए डिवाइडेड बाई कितना आएगा हंड्रेड थ्री थ्री जो नाइन एंड नाइन फोर जाओ थर्टी सिक्स यानी बेटा कितना इंटरेस्ट आ रहा है सर थर्टी सिक्स रुपीज का इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चार सो प्लस छत्तीस चार सौ छत्तीस ऑप्शन नंबर डी पंद्रह का कितना आ रहा है डी सोलह पे आ जाओ सबस्ट्रैक्ट फोर्टीन एक्स फ्रॉम थर्टी टू बेटा थर्टी टू में से क्या माइनस करना है फोर्टीन ये आपका होमवर्क रहेगा मुश्किल क्वेश्चन में हमेशा होमवर्क में देता हूं इन दोनों को माइनस कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन होमवर्क सेवेंटीन पे आ जाओ ये दो बेटा ब्रिज वाला आपके नहीं आता अच्छा प्लेटफॉर्म वाला आता है ना प्लेटफॉर्म तो मैंने करवाया सॉरी आओ भाई कह रहा है एक ट्रेन है बेटा ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है फोर थर्टी मीटर कितना ब्रिज है बेटा ब्रिज प्लेटफॉर्म या ब्रिज कितना दे रखा है आपको वन सेवेंटी मीटर तो लेंथ दे रखी है आपको और प्लेटफॉर्म दे रखा है और कितने की, की स्पीड है बेटा 36 किलोमीटर पर परार की स्पीड है तो पूछा है कितने टाइम में क्रॉस करेगी बेटा टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रेन की लेंथ और की लेंथ और की को ऐड करके स्पीड से डिवाइड कर दो ट्रेन की लेंथ है 430, की लेंथ है है की पर मजे की बात है सर ये मीटर के अंदर है आंसर हमारा सेकेंड के अंदर है तो हमारी स्पीड किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड में तो पहले मैं क्या करूंगा बेटा थर्टी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर आएगा टेन मीटर पर सेकेंड तो यहां पे क्या यूज करूंगा बेटा मैं टेन चार सौ पांच सौ छह सौ छह सौ डिवाइडेड बाई बेटा टेन करता हूं तो आएगा, 60 second. कितने सेकंड में क्रॉस करेगा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा सी एटीन का है भाई चलो भाई एटीन आप सॉल्व कीजिए बेटा हम पानी पी लेते हैं वॉल्यूम ऑफ इसकी लेंथ क्यूबोर्ड और हाइट दे रखी है वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड का फॉर्मूला होता है बेटा एल बी एच निकालो फटाफट से आया मैं

ऊपर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव नीचे आ जाएगा पच्चीस से पच्चीस चार से चार आएगा, आएगा बॉक्स एक बॉक्स के अंदर सेवनटी एट के जी शुगर आती है तो सेवेंटी एट बॉक्स में कितनी आएगी सेवेंटी एट इंटू ट्वेंटी कर दो ये आएगा बेटा वन फाइव सिक्स जीरो के जी कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सवाल ऐसे ही होंगे स्पीड में बेटा वॉल्यूम ये होमवर्क ले लो सेम एल बी एच लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है आ जाओ 22 पे मैं क्वेश्चन इसीलिए छुपाता हूं फिर तुम्हें ना आंसर देने लग जाते होशियार बहुत है ना क्लास के अंदर ट्वेंटी फाइव पर डजन बेटा कह रहा है एक डजन केले आपने कितने रुपए में खरीदे पच्चीस रुपए में तो आपने टोटल कितने बनाना खरीदे चार सौ रुपए एंड वर सोल्ड एट ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ द बनाना बेटा कुछ नहीं देखो आपने एक डजन कितने में खरीदा पच्चीस रुपए बात करो रुपए की कह रहा है पच्चीस रुपए की चीज के ऊपर बेटा ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट अर्न करना है पच्चीस का दस परसेंट होता है टू पॉइंट का ट्वेंटी परसेंट होता है बेटा पांच रुपया कितना होता है पांच यानी बीस पच्चीस रुपए की चीज है पच्चीस रुपए में आपको पांच का प्रॉफिट हो रहा है यानी आप टोटल उसको कितने में बेच रहे हैं बेटा थर्टी रुपीज में बेच रहे हो और आपका आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर ए थ। चलिए तीन क्वेश्चन और करेंगे बेटा फटाफट से पच्चीस का टारगेट था ये देखो पच्चीस क्वेश्चन ये ही करेंगे छब्बीस चलो, चलो, तक कर लेंगे डन चलिए अ स्टूडेंट हु गेट थर्टी मार्क्स फेल बाय ट्वेंटी मार्क्स फाइंड द पास परसेंटेज इफ द मैक्सिमम मार्क्स दो सो बेटा दो सौ का पेपर था एक बच्चा तीस नंबर लाया और बीस से फेल हो गया यानी मैं तीस नंबर लाया और बीस से फेल हो गया यानी पासिंग मार्क्स कितने थे बेटा फिफ्टी मेरे पास मार्क्स थे तो परसेंटेज पूछा है सर पचास नंबर चाहिए दो सौ में से इंटू क्या कर दो सौ यानी बेटा पासिंग मार्क्स कितने परसेंटेज हो गए ट्वेंटी फाइव परसेंटेज हो गए फर्जी सवाल एलसीएम एंड फॉर टू नंबर इज दिस एंड वन नंबर इज दिस अरे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा एलसीएम किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक नंबर इंटू दो नंबर एलसीएम है एक नंबर हमारे पास तीस है आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है बी निकालना फटाफट से बी निकालते हैं बेटा जीरो से जीरो गया थ्री से वन टाइम थ्री टू जा थ्री जीरो सिक्स दो सौ छह को छह से इंटू कर दो बारह सौ और छत्तीस बारह सौ छत्तीस ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा वन टू थ्री सिक्स एच सी एफ आफ क्या होगा पच्चीस तीस पैंतीस का एससीएफ क्या होगा पांच होगा हो फर्जी सवाल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है पंकज बॉट अ पर्स फॉर एट्टी एंड सोल्ड फॉर हंड्रेड बेटा आपने अस्सी रुपए में बटवा खरीदा और सौ रुपए में बेच दिया कितने का प्रॉफिट हुआ सर बीस का प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट परसेंटेज बताना है बीस का प्रॉफिट है दुनिया में प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है सीपी पे सर बीस रुपए का प्रॉफिट हुआ अस्सी रुपए के बटवे के ऊपर इंटू क्या कर दो हंड्रेड आंसर सॉल्व करोगे आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके चलिए फिर आज के लिए बेटा इतना ही वापस हम कल मिलेंगे थैंक यू जय हिंद लव यू ऑल